हेलो दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश में रहने वाले 15 साल के लड़के रौनित के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बस स्टॉप की कहानी है। अगर आपको जानना है कि उस दिन रौनित के साथ उस बस स्टॉप पर क्या हुआ था तो इस वीडियो को पूरा सुनें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक शाम रौनित अपने ट्यूशन खत्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठा था। बस का इंतजार कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहीं बैठी रो रही थी। ये देखकर रौनित बहुत उदास हुआ और उसे बुरा लगा, और इंसानियत के नाते उसने उस औरत को पानी ऑफर किया। उनसे उस औरत ने अचानक ही रोना बंद कर दिया और उसने रौनित की तरफ बहुत ही डरावनी तरीके से देखा और उससे पूछने लगी, क्या तुम्हें पता है मेरा पति कहाँ है? पता है तो मुझे अभी बता दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। रौनित उसका यह सवाल सुनकर दो कदम पीछे हट गया। उसे लगा कि वो बूढ़ी औरत शायद पागल है, लेकिन वो औरत अपनी जगह से उठी और रौनित की तरफ बढ़ने लगी। रौनित ने तब देखा कि उस बूढ़ी औरत के पैर उल्टे थे और वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में थी। ये सब देखते ही रौनित बुरी तरह डर गया, क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ पहली बार हो रहा था। रौनित ने अपनी पानी की बोतल वहीं छोड़ दी और भागने लगा। भागते भागते वह सीधा अपने घर पहुंच गया। पूरी शाम रौनित यही सोचता रहा, आखिर वो औरत थी कौन और उसने इस तरीके से बात क्यों कर रही थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसी रात करीब 2 बजे रौनित की नींद अचानक ही किसी के रोने की आवाज से खुल गई। वो जैसे ही उठ के बैठा उसके होश उड़ गए। वही बस स्टॉप वाली औरत रौनित के बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसके साथ वही पानी का बॉटल था जो रौनित बस स्टॉप पर छोड़ आया था, मगर उस बॉटल में पानी नहीं था बल्कि खून था। वह औरत एकदम से रौनित पर झपटी और उसका गला दबाने लगी। उस बूढ़ी औरत का चेहरा इतना डरावना था कि जैसे वह रौनित को वही खा जाएगी। वो बार बार यही कहती रही कि रौनित ने उसके पति को मारा है। रौनित डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसकी मम्मी पापा भागकर उसके कमरे में आए। उन्होंने जैसे ही लाइट ऑन की वह औरत रौनित के ऊपर से गायब हो गई। बेचारा रौनित हक्का बक्का होकर रोते हुए अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताने लगा, लेकिन उसकी मम्मी पापा को लगा कि शायद उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। आज तक रौनित को समझ नहीं आया कि उसके साथ उस दिन आखिर हुआ क्या था और वह औरत कौन थी। लेकिन रौनित उस रात के बाद से कुछ महीने तक सहमा सहमा रहने लगा। उसने अपनी ट्यूशन भी छोड़ दी और फिर कभी उस बस स्टॉप के रास्ते वहां नहीं आया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन थी वो बूढ़ी औरत? क्या आपने उनके बारे में कभी सुना है? आपको आज का यह हॉन्टेड बस स्टॉप स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको भूतिया कहानी सुनना अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ।